हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले रत्नवीर प्रिसिशन के बारे में। ये कंपनी देखो, मैंने आईपीओ के लिए भी अप्लाई की थी और फिलहाल ये आईपीओ तो नहीं लगा था, लेकिन अभी मैंने ये स्टॉक को लिया है, ट्रेडिंग पर्पज से लिया है। तो यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है, सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो इसका आईपीओ आया था तब भी एक वीडियो मैंने बनाया था, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और आईपीओ तो नहीं लगा, लेकिन ये जो शेयर है मैंने अभी ट्रेडिंग पर्पज से लिया हुआ है। और मैंने कौन से भाव पे लिया था, कब लिया था, इसका अपडेट टेलीग्राम पे था, कौन से डेट पे लिया था, वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो अगर जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको ये अपडेट सबसे पहले मिल जाता है, और जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, फ्री है लाइफ टाइम के लिए। और वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन ये अभी मैंने जस्ट डाली हुई है, उस बेस पे मैं आपको ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट पे भी कम्प्लीटली डिटेल डाली होती है किसी भी कंपनी के बारे में। मैं लेता कब हूँ, क्या करता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, और कंपनी कैसी है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अभी देखो, लास्ट मैंने ये मीडिया मैट्रिक्स लास्ट काफी टाइम पहले डाला था, 15 नवंबर 2023 में। उसके बाद मैंने कोई अपडेट मेरे वेबसाइट पे नहीं दिया था, तो फिलहाल मैं अभी वेबसाइट के थ्रू ही आपको सारी अपडेट दे दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे लिए रिकॉर्ड भी रह जाएगा, प्राइस रह जाएगा, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो, ये शेयर मैंने काफी टाइम पहले लिया था, लेकिन जो भी मार्केट काफी अपडाउन होने की वजह से फिलहाल तो प्राइस आसपास ही है। तो यहाँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ, रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग जो ये शेयर है यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैं शिवालिक का इसके बारे में बता चुका हूँ, इसका बाकी है इसलिए मैं यहाँ पर ये इसका वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर नजर आएगा आपको, इसके बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों में ये चीजें आपको बताई गई है। तो ये गुजरात भारत में इसकी स्थापना की गई थी, और यहाँ पर ये कंपनी एक्चुअल में किस टाइप के, तो ये यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बढ़ती जो कारों की डिमांड या लगातार बदलते परिदृश्य को अपनाने के और बाजार की बढ़ती जरूरत को खोज में के लिए रत्नवीर ने क्या बनाया है, तो स्टेनलेस स्टील वॉशर, सोलर पैनल हुक, ट्यूब और तैयार शीट और शीट मेटल, इतने सारी चीजें बनाई हुई है। ये चीज आपको इंग्लिश में भी आपको पता चल जाएगी कि इसने ये इनके प्रोडक्ट क्या है। तो शीट मेटल प्रोडक्ट है, फिनिश शीट है, ट्यूब से, सोलर पैनल हुक से, स्टील वॉशर, ये सारे स्टेनलेस स्टील के, ये सारी चीजें कंपनी ने बनाई हुई है। और ये प्रिसिशन मतलब इस टाइप की बेयरिंग्स वगैरह भी ये कंपनी बनाती है, ठीक है, जो कारों में और बहुत सारे मशीनरीज में यूज होती है। और अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैपिटल अगर देखते हैं तो आपको नजर आएगा कंपनी का मार्केट कैपिटल 579, यानी काफी छोटी कंपनी है फिलहाल तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से, स्मॉल कैप कंपनी है। और देखा जाए तो करंट प्राइस इसका 119 का है अभी, और 109 का इसका लो रह चुका है, और 154 का हाई, तो हाई से ये काफी डाउन पे है और लो के आसपास आपको नजर आएगा। पी इसका काफी अच्छा है, बुक वैल्यू भी काफी कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 119 के हिसाब से, और डिविडेंड नहीं देती है, और आरओई काफी अच्छा है ये भी, 14 और ये 29 का है, फेस वैल्यू 10 का है, ये भी चीज अच्छी है। आगे स्प्लिट भी हो जाता है शेयर काफी बढ़ने के बाद, तो आपको और भी ज्यादा क्वांटिटीज के शेयर मिल जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर आपको रिटर्न्स कुछ भी नहीं नजर आएंगे, तो फिलहाल ये कंपनी को एक साल भी कम्प्लीट नहीं हुआ है इसलिए आपको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा। और अगर हम चार्ट भी देखते हो तो चार्ट में आपको नजर आएगा, ये 11 दिख रहा है, तो 11वां महीना यानी नवंबर से है ये कंपनी, तो नवंबर से स्टार्टिंग में ये काफी उतार चढ़ाव दिखाया था, तो थोड़े बहुत इसने लिस्टिंग में अच्छे रिटर्न दिए थे। उसके बाद देखो शेयर्स में जो लिस्टिंग के बाद काफी उतार चढ़ाव आता है, तो फिलहाल देखो वही भाव के आसपास है जहां पर ये पहले हुआ करता था, ओपनिंग के आसपास का, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर शेयर सही भाव पे नजर आ रहा है, इस वजह से खरीदा हुआ है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम इसके देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये देखो कंपनी जो है 93 करोड़ से इसके सेल से 193, यानी सेल्स में काफी अच्छा ग्रो किया है कंपनी ने। और प्रॉफिट देखते तो 5.5 करोड़ से 9.26, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का काफी अच्छा नजर आ रहा है। बैलेंस शीट देखते तो देखो बैलेंस शीट में आपको नजर आएगा कंपनी 2020 से
297 करोड़ से यहाँ पर 480 करोड़, और टीटीएम इसका 604 यानी 600 करोड़ तक का अभी टीटीएम चल रहा है, यानी अभी के भी सेल्स काफी अच्छे होने वाले हैं। तो कंपनी का ग्रो काफी अच्छा हो रहा है सेल्स में, और प्रॉफिट देखते हो तो 7 करोड़ का प्रॉफिट 2020 में कर रही थी, अभी 35 करोड़, तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ कंपनी का काफी अच्छा नजर आ रहा है। और बैलेंस शीट देखते तो आपको नजर आएगा कंपनी का जो रिजर्व है 189 करोड़ का और बोरोइंग है 185। तो रिजर्व और बोरोइंग दोनों आसपास ही नजर आ रहे हैं, यानी लोन जितना है उतना ही कंपनी के पास रिजर्व भी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग में आपको नजर आएगा प्रमोटर की सबसे ज्यादा होल्डिंग है, उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर, और फॉरेन के इन्वेस्टर के बाद यहाँ पर डीआईएस का कुछ भी नहीं है, काफी कम है 0.01, और पब्लिक का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। तो फिलहाल देखो कंपनी प्रिसिशन वायर, प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी जो है रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग, ये कंपनी देखो मैंने ट्रेडिंग पर्पज से लिया हुआ है, इसमें से जितना भी प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो देखो आईपीओ में आने वाली कंपनियां मोस्ट ऑफ देखो नई नई मार्केट में आती है, तो थोड़ा बहुत वो बिजनेस करेगी, थोड़ा ये करेगी, तो ये पास रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन बैलेंस शीट में लोन भी थोड़ा है कंपनी पर, लेकिन कंपनी का सेल्स भी अच्छा ग्रो हो रहा है, तो लोन तो जरूरत होती है, लेकिन रिजर्व में भी काफी कैपिटल हो तो काफी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर मैंने ट्रेडिंग पर्पज से लिया, जो भी होगा अपडेट मैं आपको जरूर बताऊंगा, टेलीग्राम पे भी बताऊंगा, और यहाँ पर चैनल के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा, वेबसाइट से भी पता चल जाएगा। तो सभी जगह से आप जुड़े रहे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।